नहीं है, इसलिए थोड़ा तकलीफ है। मेरा माँ है, बीवी है, बच्चा दोनों है, इसलिए आ गया। उड़ीसा में काम नहीं मिला है, इसलिए आ गया। कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश को लॉकडाउन किया गया है और इस लॉकडाउन के कारण एक राज्य से दूसरे राज्यों को जाने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। परंतु बेरोजगारी की वजह से तथा अन्य कारणों से लोग रोजगार के लिए एक से दूसरे राज्य को जा रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा एक निर्देश दिया गया है कि अगर इस प्रकार की स्थिति होती है तो स्थानीय प्रशासन को इस विषय पर जानकारी देना अनिवार्य है। परंतु रायगढ़ जिले में अधिकतर कंपनियां हैं और इन कंपनियों में काम करने वाले मजदूर बाहर से लाए जा रहे हैं, लेकिन कंपनी द्वारा एवं ठेकेदार द्वारा इसकी जानकारी जिला प्रशासन को नहीं दी जा रही है। अभी कहाँ आए हैं आप? अभी था सर, गए केला में था, आ गया करंट हाउस में, 18 दिन रुका है, इसलिए गांव में काम नहीं मिला है ना, ये उधर से आए। अभी सब जगह लॉकडाउन है, आना जाना प्रतिबंधित है, एक राज्य से दूसरे जगह भी जाना प्रतिबंधित है, आपकी ऐसी क्या मजबूरी रही कि आपको आना पड़ा? हमारा गांव का आदमी वो बोला कि चलो मेरा साथ उधर काम करेगा, ये करंट हाउस में हम लोग रखा है, पूरा टेस्ट चेकिंग हो गया, पूरा रिपोर्टिंग पेपर पेपर पूरा हमारा पास है, इसलिए हम लोग काम नहीं मिला है ना, इसलिए आ गया। कितना दिन हम लोग घर में हो गए, कंपनी में हम घर चले जाएंगे, फिर काम नहीं करेगा तो फिर कहाँ से कहाँ चलेंगे? क्या काम करते हैं यहाँ पे? ये हमारा अकाउंटेंट हो गया, हम लोग दूर करें क्या करेंगे बैठ के, याद है फिर बात है। कितने लोगों को आपने किया है? मतलब 7 लेबर आया ना करंट हाउस में, कंटेंट में, तो मैं हमारा ट्रीटमेंट हो गया और हम लोग घर में बैठ क्या करेंगे, तो सर कोविड-19 की वजह से अभी पूरे देश में जो बाहरी राज्यों से आने वाले लोग हैं उनको प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन लगातार लोग आ रहे हैं कंपनी क्षेत्र की होने की वजह से, सर इसके लिए स्वास्थ्य विभाग क्या कर रही है? हमारे स्वास्थ्य विभाग इसमें क्या कर रहे हैं, जिस बाहर से आ रहे हैं अन्य राज्य से, उनको डेली प्रतिदिन चेक होने के बाद ही उनको क्वारंटाइन रखा जा रहा है, क्वारंटाइन सेंटर व्यक्ति जो रहते हैं वहाँ पर। सर कई लोग ऐसे भी हैं जिनको पता भी नहीं चल रहा है कि वो लोग आ रहे हैं कंपनी में ड्यूटी कर रहे हैं, ठेकेदारों की लापरवाही देखने को मिली सर, इस टाइप का तो हमारे नॉलेज में नहीं है कि पता नहीं चल रहा, जैसे फैक्ट्री वाले आते हैं उनका तो हम लोग बायोडाटा ही ले लेते हैं पहले, उसके बाद सब चेक होता है मेडिकल, उसके बाद क्वारंटाइन सेंटर रखा जाता है, उसके बाद ड्यूटी के लिए 14 दिन के लिए रहते ही हैं। सर सरायपाली क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र में लगातार कुछ कुछ लोग आ रहे हैं, पिछले बार 25 लोग आए थे, फिर कुछ दिन पहले उड़ीसा से भी 7-8 लोग आए थे। जो 25 लोग आए थे तो हम ही लोग जाकर वहाँ श्वास परीक्षण किए थे, जो क्या नव दुर्गा का जो था ना उसमें, उसके बाद भी उसके बाद उधर का तो पता नहीं हम लोगों की और आ रहे हैं। सावधानी तो बरतना पड़ेगा, बाहर की जैसे अभी आ रहे हैं जैसे रेड जोन से आ रहे हैं, रेड जोन से जो आ रहे हैं उनका तो पहले मेडिकल चेक होने के बाद उनको 14 दिन तक क्वारंटाइन में रखना अनिवार्य है, उसके बाद ही 14 दिन होने के बाद उनको फिर टेस्ट करो, उसके बाद निगेटिव आता तब उसको काम के लिए लाते हैं। यहाँ जो बाहर राज्य से आते हैं ना कंपनियों में वो लोग ना जानकारी नहीं देते हैं, हम लोग ना मीटिंग करके उनको एक आध पत्र लिख कर दिए थे कि जो भी बाहर राज्य से आएंगे हमको पहला जानकारी दिया जाए, अब फिर उसके बाद हम कुछ कर सकेंगे, लेकिन ऐसे फैक्ट्री वाले कोई नहीं कर रहे हैं, वो अपने फायदा को देख रहे हैं, अब वह उन्हें सूचना ना देकर हम लोगों को कोरोना के शिकार बनाने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। क्या प्रशासन को दिया है? हाँ दिया है, पहले जो पहले थे ना सभी लोग अधिकारियों को बुलाए थे, जैसे कि कलेक्टर हुआ, तहसीलदार हुआ, SDM हुआ, डॉक्टर हुआ, और एक टीम बना था, उन लोगों को भी सबको जानकारी दिया गया, उसके बाद हम लोग फैक्ट्री में अलग अलग जाकर बोली उनको, अब ये सब कुछ गांव में या आसपास के गांव में ऐसे होगा संक्रमित या कोरोना कुछ भी, तो प्रशासन और कंपनियों की जिम्मेदारी होगी, तो प्रयास कर रहे हैं, पर भी हमें डर है कि उन लोगों कंपनियों के कारण से जितने भी है या आसपास 15 गांव के जितने भी गांव, हम लोग तो अभी सुरक्षित हैं, लेकिन इन लोगों के कारण से हम लोगों को हो सकता है। इसके लिए हम लोगों ने ग्राम पंचायत सरायपाली के सरपंच तथा सचिव से आह्वान किया कि एक प्रस्ताव निकालें और उस प्रस्ताव को कंपनियों में दें, ताकि जितने भी लोग बाहर से कमाने के लिए आते हैं, मजदूरी करने के लिए आते हैं, तो उनकी लिस्ट पंचायत में दी जाए, ताकि
गांव में सुरक्षा का माहौल बनाया जाए, जिला प्रशासन तथा ब्लॉक के अधिकारियों को सूचित किया जाए, जिससे यह बीमारी फैलना कम हो सके। इस विषय पर हम लोग लगातार जिला प्रशासन एवं ब्लॉक के अधिकारियों को, SDM को, तहसीलदार को इसकी जानकारी लगातार देते रहेंगे और जहां तक संभव हो इस क्षेत्र को कोरोना से बचाने का प्रयास करते रहेंगे। मैं राजेश गुप्ता, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ से इंडिया अनहट के लिए।